साल 2014, तारीख 16 मई, सबसे बड़े लोकतंत्र में फैसले का दिन। जो हुआ उसका अंदाजा तो खुद बीजेपी को भी नहीं था। बीजेपी ने खुद के दम पर 242 सीटें अपने नाम की। वहीं एनडीए की बात करें तो 543 में से 336 सीटों पर गठबंधन ने कब्जा जमा लिया और देश को गुजरात से नया प्रधानमंत्री मिला। भले ही फैसला 16 मई 2014 को आया हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन ने इस फैसले की घोषणा पहले ही कर दी थी। उन्हें विश्वास था कि उनके बेटे नरेंद्र मोदी एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां का बेहद गहरा रिश्ता था। वे प्रधानमंत्री रहते हुए कई बार उनसे मिलने गए और घुटनों पर बैठकर घंटों उनसे बात करते थे और फिर मिलने का वादा कर चले जाते। आज प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन नहीं रही। उनका गुजरात के एक अस्पताल में कल रात को निधन हो गया। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री ने सुबह ट्वीट कर दी। मां ना सिर्फ बच्चों को जन्म देती है बल्कि उनके दिमाग, व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को भी आकार देती है। मुझे कोई संदेह नहीं कि मेरे जीवन चरित्र में जो कुछ अच्छा है उसका श्रेय मेरी माँ को जाता है। ये पंक्तियाँ आप जो सुन रहे थे वो प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी माँ के लिए लिखी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने माँ के 100वें जन्मदिन पर 18 जून 2022 को एक ब्लॉग में ये बात कही थी। तो चलिए जानते हैं आज प्रधानमंत्री मोदी को मोदी बनाने वाली हीराबेन के कुछ किस्से। प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था कि उनके पिता सुबह 4 बजे काम पर निकल जाते। उनके कदमों की आहट पड़ोसियों को बताती कि सुबह 4 बज गए हैं, दामोदर काका काम पर चले गए हैं। वो अपनी छोटी सी चाय की दुकान खोलने से पहले पास के मंदिर में प्रार्थना करने जरूर जाते। माँ भी समय की उतनी ही पावन थी। वो भी पिता के साथ उठती, सुबह कई काम निपटा देती। अनाज पिसाने से लेकर चावल दाल छानने तक उनके पास कई काम होते और दूसरा कोई सहारा भी ना होता। उन्होंने कभी किसी से मदद नहीं मांगी, पर मुझे खुद लगता कि माँ की मदद करनी चाहिए। मैं घर से सारे मैले कपड़े ले जाता, उनके तालाब से धो लाता, कपड़े धोना और मेरा खेलना साथ साथ हो जाता। प्रधानमंत्री मोदी की माँ इतनी साधारण थी कि छत से टपकते पानी तक का इस्तेमाल कर लेती और साड़ी में हमेशा रुमाल बांधती। घर का खर्च चलाने के लिए माँ कुछ घरों में बर्तन मांजती, अतिरिक्त कमाई के लिए चरखा चलाती। माँ दूसरों पर निर्भर रहना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। दूसरों से अनुरोध करने से वो बचती। मॉनसून हमारी मिट्टी के घर के लिए मुसीबत बन जाता। बरसात के दिनों में हमारी छत टपकती और घर में पानी भर जाता। माँ बारिश के लिए पानी को इकट्ठा करने के लिए लीकेज के नीचे बर्तन रख देती। इस विपरीत परिस्थिति में भी माँ सहनशीलता की प्रतीक थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो अगले कुछ दिनों तक इस पानी का इस्तेमाल करती। जल संरक्षण का सबसे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। माँ इस बात का ख्याल रखती थी कि बिस्तर साफ हो, ठीक से बिछा हो। वो बिस्तर पर धूल का एक कण बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हल्की सी सिलवट्टे का मतलब था चादर को दोबारा से झाड़ना और फिर बिछाना। इस आदत को लेकर वो हमेशा हमें सावधान करती। मैं जब भी उनसे मिलने गांधीनगर जाता तो वो हमेशा मुझे अपने हाथों से मिठाई खिलाती और एक छोटे से बच्चे की तरह दुलार करती। वो एक रुमाल निकालती और मेरे खाना खत्म होने के बाद मेरे चेहरे को पोंछती। वो हमेशा अपनी साड़ी में एक रुमाल और छोटा सा तौलिया लपेट कर रखती थी। जब हमारा बड़ा भाई किसी की दी हुई कोई चीज़ बाहर से लाता तो माँ उसे फटकारती और चीज़ लौटाने को भेज देती। माँ में ईमानदारी के गुण थे जो उन्होंने अपने बच्चों को दिए। माँ हीराबेन का अर्थशास्त्र भी मजबूत था। खर्च के मामले में वो 5 हो या 1 रुपये, वो जानती थी कि घर खर्च कैसे चलाना है। पैसे कम हो तो भी ठीक, अगर ज़्यादा हो तो वे पैसे ना होने की स्थिति में भी वे किसी न किसी तरह परिवार को चला ही लेती। इस खबर में इतना ही। आप सुन रहे थे जनहित टाइम्स। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनहित टाइम्स। जय हिंद।